नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मेरे साथ हैं नवभारत टाइम्स के स्पोर्ट्स एडिटर संजीव कुमार जी। इनसे हम जानेंगे कि आज जो मैच होने वाला है आईपीएल में, वो दो साउथ की ब्लॉकबस्टर टीमों सीएसके और एसआरएच की बीच है, तो कौन जीतेगा, किसका पलड़ा और क्यों भारी होगा, टीमों की प्लेइंग इलेवन क्या होगी। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर आपका। नमस्कार। क्या लगता है सर, आज साउथ की फिल्मों की तरह धमाल देखने को मिलेगा, चौके छक्के? बिल्कुल, देखिए ये दो बड़ी टीमें हैं और अगर हम देखें तो हर एक खेल में ऐसे एक शब्द यूज करते हैं कि ये अल क्लासिको यूज करते हैं कि जब जी। रियल मैड्रिड की टीम खेले और बार्सिलोना की टीम खेले, इसके अलावा हम डर्बी शब्द का भी यूज करते हैं, तो उसमें दो दो बड़ी टीमें खेलती हैं तो टकराती हैं, तो ये हम साउथ डर्बी कह सकते हैं। ये दोनों टीमें ही साउथ की हैं और अपने अपने इनके फैन बेस है, तो सबकी निगाहें होंगी। और क्यों साउथ ही हम इसको नाम दें, साउथ की टीमें दो जरूर है, बट इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक धोनी जैसा इस फॉर्मेट का या किसी भी फॉर्मेट का एक बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन, जो कि इस सीजन में बहुत अच्छा करिश्मा नहीं दिखा पा रहा है, और दूसरी तरफ एक कप्तान जो वो भी जीत चुका है, तो एक भारतीय बनाम विदेशी कप्तान के तौर पर भी इस मैच को देख सकते हैं कि दोनों के अपने अपने तरीके हैं, अपनी सोच है, अपनी स्ट्रेटजी है, तो ये भारतीय कप्तान बनाम विदेशी कप्तान भी हम देख सकते हैं, कई तरह से कई एंगल से देख सकते हैं। जहां तक सवाल है कि मैच में क्या होगा, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रिडिक्शंस किए हैं, बट उसके उलट भी हुआ है, क्योंकि बड़ी टीमें बड़े नाम कई बहुत अच्छा नहीं चले हैं और नए खिलाड़ियों ने भी अपनी छाप छोड़ी है। तो आज के मैच की हम बात करें तो सबसे अच्छी बात रहेगी कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, फैंस के लिए और कप्तान के लिए, इस टीम को जो दिन जिन दो खिलाड़ियों का इंतजार था, एक का तो इंतजार था, दूसरा पहला मैच के बाद वो नहीं खेले थे तो वापसी का इंतजार था, वो है अंबाती राइडू और दूसरे हैं ड्वेन ब्रेवो। तो ये एक बड़ी बात है, इनके आने से ये टीम बेहतर हो जाएगी मुझे लग रहा है। और उधर दूसरी तरफ देखें तो उस टीम में वही प्लेयर लगभग खेलेंगे जो अभी तक खेले हैं, उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन की जरूरत नहीं है। मुझे अभी जब हम बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि पलड़ा किसी का भारी नहीं है, बराबरी का मुकाबला होगा और बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। दो थोड़े से नीरस मुकाबले हुए, एक तरफा हुए हैं, अब आज ब्लॉकबस्टर भी होगा और एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो जिस तरह की टीमें हैं उसका एक्शन और अपोजिट रिएक्शन दोनों देखने को मिलेगा, दोनों ही बड़ी टीमें हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात हम लोग कर रहे थे कुछ देर पहले कि जो है धोनी दो रिकॉर्ड के मुहाने पर खड़े हैं, वो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी देखिए, एक तो रिकॉर्ड सिक्स मारने वाला जो रिकॉर्ड है वो अभी उनके नाम 298 298 सिक्स है T20 मैचों में, सिर्फ आईपीएल की बात नहीं है, तो वो तीसरे भारतीय होंगे जो कि ये रिकॉर्ड 300 इंटरनेशनल या किसी भी लेवल पे T20 में सिक्स मारने का। तो धोनी का हम जो अब तक हम उनके बारे में बातचीत करते रहे हैं कि धोनी का हेलीकॉप्टर कब उड़ेगा, धोनी कब उस हेलीकॉप्टर जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो कब आएगा, कब दिखेगा, तो वो हेलीकॉप्टर चलना आज होगा, तो सिर्फ 2 सिक्स दूर है, तो ये एक मुझे लग रहा है। और एक विकेट कीपिंग में वो रिकॉर्ड के करीब है, तो ये दोनों ही रिकॉर्ड शायद उनके लिए बहुत मायने नहीं रखेगा, लेकिन हाँ फैंस देखना चाहेंगे कि एक बार वो हेलीकॉप्टर एज ए बैट्समैन उड़ेगा, एज ए कैप्टन उड़ेगा, तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स अभी जो सबसे नीचे चल रही है, ये एक चैंपियन टीम है और हर बार जो उतरती है, तो ऐसा एक रिकॉर्ड देख रहा था मैं कि 65% ऑफ द टाइम उन्होंने अपने शुरुआती मैचेज ज्यादातर जीते हैं, 4-5 मैच
65% उनका सक्सेस रेट रहा है, इस बार रेट कम हो गया है और वो टेबल में सबसे नीचे रहे हैं। दोनों रिकॉर्ड भी धोनी बनाए और उनकी टीम भी ऊपर उठे, यही उनके फैंस चाहेंगे। बिल्कुल सर, इसके साथ ही हम दर्शकों को बता दें कि जो है जो 300 प्लस सिक्सेस भारत के लिए मारे हैं या भारतीय बल्लेबाजों ने मारे हैं, उसमें सबसे ऊपर रोहित शर्मा का नाम है। उन्होंने 332 मैच खेले हैं और 371 छक्के जड़े हैं। दूसरे नंबर पर नो डाउट सुरेश रैना है, उन्होंने 319 मैच खेलते हुए 311 छक्के जड़े हैं। अब इस लिस्ट में जो है एमएस धोनी का नाम जुड़ सकता है। खैर, इसके अलावा जो अभी आंकड़े, लोग आंकड़ों में जो रुचि रखते हैं, मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि इस मामले में जो टॉप पर खिलाड़ी है वो है क्रिस गेल, जिनके नाम 978 सिक्सेज है इस फॉर्मेट में। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आईपीएल की बात हम नहीं कर रहे हैं, ना ही हम T20 इंटरनेशनल मैचों की बात कर रहे हैं, T20 ओवरऑल किसी भी लेवल पर जो खेला हो। तो उन्होंने 2008 से जो T20 का करियर शुरू किया, 404 मैच खेले हैं और 978 सिक्सेस, जो कि 1000 सिक्स के करीब अब पहुंचने वाले हैं। और जैसा आपने कहा, सचमुच में जो अपने आप को कहते हैं कि यूनिवर्स बॉस हूं मैं, तो ये रिकॉर्ड, ये आंकड़े बताते हैं। और सेकंड नंबर पर उनके ही देश के कैरन पोलार्ड है, जिनके नाम 682 सिक्स है, 516 मैच उन्होंने खेले हैं। तो ये दो खिलाड़ी जो है अभी कंटेस्ट में हैं, उतर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। तो ये सिक्स का जो जलवा है, देखिए एक अंतर देखिए, 978 सिक्स है, उसके बाद 682 है, 682 है, और फिर हमारे जो तीन खिलाड़ी हैं जिनके 400 से भी कम सिक्स है। तो ये अंतर दिखता है और ये प्रोफेशनल खिलाड़ी भी हैं, दुनिया भर की कई लीग में खेलते हैं। ये भी एक वजह है कि साल भर वो एक तरह से कई देशों में जा जाके खेलते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा मैच भी खेले, ज्यादा मौके भी मिले, ज्यादा सिक्स भी लगाए। देखिए, सिक्स की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं कि ये T20 मुकाबला है और T20 मुकाबला बेसिकली चौके और छक्के से ही जीता जा सकता है, सिंगल्स का रोल बहुत कम होता है। अगर छोटा स्कोर है तो बदल जाता है, दो को चार और चार को छह, अगर ये टीम जो भी बनाने में सक्षम है। आप पिछले मैच का ही एक उदाहरण ले ले, अगर पोलार्ड और पांड्या की वो जो ताबड़तोड़ इनिंग्स, मात्र 3.5 ओवर्स बाकी थे, चार ओवर में भी एक गेंद बाकी थी, तो ऐसा लग रहा था कि इन चार ओवर में हो सकता है कि जो रन बने वो 40 रन बन जाए, 45 रन बन जाए, 50 बन जाए, बट 23 गेंदों पर 67 रन बनाना, ये अपने आप में आप देख रहे हैं। और उसमें वो सिंगल और डबल से नहीं बनते, सिक्स और फोर से ही बने। तो ये जो खेल है, इसका जो रोमांच है, वाकई ये सिक्स और फोर का है। और मैं फिर से धोनी से रिलेट करना चाहूंगा कि धोनी जो कि इंतजार किया जा रहा है कि वो लय में आए एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन, और अपनी टीम को लगातार जिताए, उनके प्रशंसक सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स के ही नहीं है, दुनिया भर में उनके प्रशंसक है, जो फिर से उनका एक बहुत ही अच्छा खेल देखना चाहते हैं। तो ये 4-6 का जो उनका सिलसिला शुरू होगा वो बहुत ही अच्छा होगा इस खेल के लिए, ओवरऑल इस टूर्नामेंट के लिए भी, न केवल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। ठीक है, ये तो रही चौके और छक्के की बात। अब सर, जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है धोनी की CSK पर, कि जो फाइटर्स होते थे, जो जुझारूपन होता था, वो नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं। सुरेश रैना और हरभजन सिंह के नहीं रहने से टीम बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, हालांकि अभी आपने बताया कि दो खिलाड़ी वापस लौट रहे हैं, तो क्या वो जुझारूपन दिखेगा? क्योंकि धोनी तो वही रहेंगे, शेन वॉटसन वही रहेंगे, ऑलमोस्ट खिलाड़ी वही रहेंगे, तो क्या दो खिलाड़ियों की वापसी से ये संभव है कि जो है जो पुराना रंग है वो उसमें जो है धोनी नजर आए? देखिए, ये हम सवाल उठाते रहे हैं कि ये एक उम्र दराज खिलाड़ियों की टीम है और उम्र अनुभव काम आता है। और इस फॉर्मेट में हम देखें, शुरू में सवाल थे जब पहले एक दो सीजन में, कि ये जो बड़े खिलाड़ी, उम्र दराज खिलाड़ी हैं, जो 35 के हैं, 38 के हैं, 40 के हैं, क्या ये अच्छा कर पाएंगे? ये तो युवाओं का खेल है। लेकिन देखने में आया कि इन सीनियर खिलाड़ियों का, अनुभवी खिलाड़ियों का बहुत बड़ा रोल है, और ये भी
बहुत ही अच्छा करते रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं क्रिस गेल की, वो भी लगभग 40 के हो ही गए हैं। तो क्रिस गेल जब इस तरह खेल रहे हैं और इतने सिक्स लगा रहे हैं, तो आपने जो कहा कि इनके वापसी से वो लय में आएंगे, वो जलवा दिखेगा, निश्चित तौर पे दिखना चाहिए। शेन वॉटसन की हम बात करें तो शेन वॉटसन अगर चल गए तो फिर वो आप समझ लें कि उन्होंने बहुत सी पारियां खेली हैं कि बाद के बाद में अपनी टीम को जिता दिया, अकेले दम जिता दिया है, सेंचुरी बनाई है, हाफ सेंचुरी ताबड़तोड़ बनाकर किसी भी स्कोर को चेंज कराने में मदद की है। उनको फिर से फॉर्म में लौटना होगा। ऋतुराज गायकवाड़ को बैक कर रहे हैं, अगर उनके साथ ओपन करते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ अगर एक अच्छी पारी खेलेंगे तभी वो अपनी प्रतिभा के साथ न्याय कर पाएंगे, उनको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर अच्छा करेंगे। एक और फ्लॉप होने का मतलब है कि वो फिर से वो लौटना उनका कॉन्फिडेंस मुश्किल होगा और उनको शायद बाहर भी बिठाया जाए। और फाफ डुप्लेसिस जो आपके कह रहे थे कि अनुभव, फाफ डुप्लेसिस भी जो है इतने दराज खिलाड़ी हैं, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया इस टीम के ही नहीं बल्कि ओवरऑल जो टॉप रन गेटर्स हैं उसमें वो शामिल है। राइड्यू लौटते हैं तो राइड्यू लौटने का भी असर होगा। इसके बाद सैम करन एक यंगस्टर है जो कि इन इन बुजुर्ग और बड़े खिलाड़ियों के बीच बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये एक लाइनअप मैं देख रहा हूं। और ये आपने कहा कि वो जलवा लौटेगा, निश्चित तौर पे ब्रावो लौटेंगे तो वो बॉल से भी बैट से भी दोनों से सक्षम है। देखना ये होगा कि जो इतना गैप के बाद वो खेलेंगे तो किस तरह की लय में रहते हैं, और अंबाती रायडू को भी जो ब्रेक मिला है उसका फायदा कितना उनको हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सीएसके की ऑलमोस्ट प्लेइंग 11 लगभग बता दी है, तो हम एक बार एसएच पर नजर डालना चाहेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी वहां हो सकते हैं और क्या संभावनाएं हैं बदलाव की। देखिए मुझे नहीं लगता, जो टीम पिछली बार खेली थी और उनके हार जरूर गए, लेकिन जिस तरह से केन विलियमसन की वापसी, हम बार बार यही चर्चा कर रहे थे कि एक इतना अच्छा खिलाड़ी उसको बाहर क्यों बिठा रखा है, ये खिलाड़ी आएगा तो कुछ कर दिखाएगा। तो एक मैं कहूं कि हम कहते हैं ना नो पेन नो गेन, तो नो केन नो गेन, तो अभी केन आ गए हैं तो गेन है, केन आ गए हैं तो गेन है। और मिडिल ओवर में आके जिस तरह से पारी को तेजी से रन, वो चौके छक्के की जरूरत नहीं है, वो आपने देखा होगा कि तेजी से उन्होंने रन बनाए और वो सिक्स और फोर के लिए भी ऐसा नहीं कि हर गेंद पर वो मारना चाह रहे, वो गैप ढूंढना जानते हैं, सिंगल को डबल बनाना जानते हैं। तो एक केन जरूर रहेंगे, जो बदलाव हुआ था वो वहां रहेंगे, और डेविड वार्नर जॉनी बेयरस्टो तो ओपन करेंगे ही, मनीष पांडे रहेंगे ही, और अब्दुल समद जो एक यंग टैलेंट है जम्मू कश्मीर के हैं, और ये कहते हैं कि ये इरफान पठान की देन है, जब वो वहां थे तो उन्होंने उनको ढूंढ निकाला था कुछ यंगस्टर्स को, उस टीम के साथ जेएनके के साथ और रणजी टीम के साथ जुड़े हुए थे स्टेट टीम के साथ, तो वो बहुत तारीफ कर रहे थे, ट्वीट्स पे भी कहा, कमेंट्री करते हुए भी कहा कि इस लड़के को आप सभी देखना। तो इन्होंने प्रतिभा की झलक दिखाई है, 19-20 साल के हैं, तो अब्दुल समद को भी बैक करेंगे। अभिषेक शर्मा भी रहेंगे। प्रियम गर्ग ने बहुत कुछ नहीं किया है, लेकिन क्योंकि वो अंडर-19 टीम के कैप्टन रहे हैं और टैलेंटेड भी है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पर एक सवाल हो सकता है कि इनको एक और मौका दिया जाए या उनकी जगह किसी को लाया जाए। बाकी राशिद खान तो रहेंगे ही, भुवनेश्वर नटराजन जो कि यॉर्कर डाल के बहुत ही फेमस हो गए हैं, वो एक मैच में वो 5-5, 6-6 यॉर्कर डाल रहे हैं, बहुत अनकंफर्टेबल कर दे रहे हैं प्लेयर्स को, बैट्समैन को, तो उनको भी रखा जाए। और खलील अहमद, ये मुझे लग रहा है लाइनअप रहने की उम्मीद है। बदलाव अगर मुझे कहीं दिखता तो प्रियम गर्व के बारे में सोच सकते हैं कि वहां पर किसी अन्य भारतीय खिलाड़ी को मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, देखते हैं कि भुवनेश्वर की धार दिखेगी या रायडू का धमाका। लेकिन मैच से पहले एक दर्शकों को हम सलाह जरूर देना चाहेंगे कि 3-डायमेंशन एक चश्मा जरूर रख लें अपने पास इस मैच के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, 3D चश्मे के लिए रायडू फेमस रहे हैं और वो हम इंतजार कर रहे हैं कि वो 3D वाकई उनको कब मिलता है और उस चश्मे से बहुत अच्छा कब देखने लगते हैं और उनका करियर कब लिफ्ट होता है। तो 3D चश्मा जरूर, आपने जो सही कहा कि आज देखते हैं कि क्या होता है, उस 3D से क्या दिखता है। जी बिल्कुल, इसी के साथ हम अपनी आज की चर्चा यही समाप्त करेंगे, और आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। धन्यवाद।